गुरु नानक जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए अपने पारिवारिक जीवन का भी ध्यान नहीं रखा और अपने सुख को भूल करके देश भर में दुनिया भर में यात्राएं की और लोगों के मन में बस चुकी कुरीतियों को दूर करने की दिशा में काम किया। सिख समुदाय के लोग दीपावली के 15 दिन आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इस दिन सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु जपते हुए सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। गुरुद्वारे में सुबह से ही काफ़ी सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, शब्द कीर्तन होते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, रात तक होता रहता है। शाम के वक्त लंगर का आयोजन होता है जिसमें कि काफ़ी लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुरु पर्व के दिन सिख धर्म के लोग अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा भी करते हैं और गुरु नानक देव जी के उपदेशों यानी गुरुवाणी का पाठ भी करते हैं। गुरु पर्व जिसे कि प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, गुरु नानक देव जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और सिखों के वो प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो राय भोई की तलवंडी, जिसको आज की डेट में जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित नानकाना साहब में है, इस जगह का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकाना साहिब भी है जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। बता दें कि इस गुरुद्वारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। शेर पंजाब नाम से प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरुद्वारा नानकाना साहिब का निर्माण किया था। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन मानवता और समाज कल्याण में लगा दिया और ना केवल उन्होंने भारत में ही बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और अरब जैसे देशों में जाकर भी उपदेश दिए और लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम किया। गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के संस्थापक और पहले गुरु थे। इन्होंने ही सिख समाज की नींव रखी थी और इनके जो भी अनुयायी हैं उन्हें नानक देव जी या फिर नानक शाह या फिर बाबा नानक के नाम से बुलाते हैं। लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जैसे लद्दाख और तिब्बत जहाँ इन्हें एक अलग ही नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है नानक लामा। 1539 ईस्वी में करतारपुर की एक धर्मशाला में उनकी मृत्यु हुई। करतारपुर आज पाकिस्तान में है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। गुरु अंगद देव ही सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।